प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान आयुष्मान वय वंदन कार्ड बुजुर्ग लाभार्थियों को सौंपे। इसके साथ ही आयुष्मान योजना के नए चरण की शुरुआत हो गई। अब 70 साल से अधिक आयु वाले देश के सभी बुजुर्गों का आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज हो सकेगा। इसके तहत उन्हें हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। प्रधानमंत्री ने इस दौरान 12,850 करोड़ रुपए की कई स्वास्थ्य परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में आयोजित किया गया था। इस स्कीम के तहत 70 साल से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों को हेल्थ कवरेज मिलेगा। ये सुविधा किसी भी आय वर्ग के बुजुर्गों को प्राप्त होगी। इससे देश के करीब 4.5 करोड़ परिवारों के 6 करोड़ से ज्यादा बुजुर्गों को लाभ मिलेगा। अब तक इस स्कीम में कमजोर आय वर्ग के परिवारों को ही शामिल किया जाता रहा, लेकिन अब बुजुर्गों को लेकर ऐसी कोई आय लिमिट नहीं होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में हुए आयोजन के दौरान कई बुजुर्गों को कार्ड भी सौंपे और इस दौरान हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा समेत कई अन्य मंत्री और अफसर भी मौके पर मौजूद रहे। अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा। ऐसे बुजुर्गों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड दिया जाएगा। सरकार का प्रयास है कि देश के हर बुजुर्ग जिनकी आयु 70 वर्ष के ऊपर है उनको जल्द से जल्द आयुष्मान वय वंदना कार्ड मिले। और ये ऐसी योजना है जिसमें आय की कोई पाबंदी नहीं। गरीब हो, मध्यम वर्ग का परिवार हो, उच्च वर्ग का परिवार हो, हर कोई इसका लाभार्थी बन सकता है। जो इस योजना का लाभ लेना चाहता है, इस देश का नागरिक, वो इसका लाभ अगर 70 साल से ज्यादा उम्र है ले सकता है। हर बुजुर्ग चिंता से मुक्त हो, वो स्वस्थ जीवन जिए, स्वाभिमान के साथ जीवन जिए। ये योजना इसके लिए मिल का पत्थर साबित होगी। घर के बुजुर्ग के पास आयुष्मान वय वंदना कार्ड होगा तो परिवार के खर्चे भी कम होंगे, उनकी चिंता भी कम होगी। मैं इस योजना के लिए सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। बुजुर्गों को ये सुविधा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी ABPMJAY के तहत मिलेगी। इसे कैबिनेट ने 11 सितंबर 2024 को मंजूरी दी। इसके तहत देश के सभी बुजुर्गों को इस योजना का लाभ मिलेगा जिनकी आयु 70 साल से अधिक हो। इस योजना के लाभार्थियों को अलग से कार्ड प्रदान किया जाएगा। ये फैमिली आयुष्मान प्लान से अलग होगा। इसके अलावा जिन परिवारों को पहले से ही इस योजना का लाभ मिल रहा है उन्हें अलग से 5 लाख रुपए का टॉप परिवार के बुजुर्ग सदस्य के लिए प्रतिवर्ष मिलेगा। इस टॉपअप से सिर्फ बुजुर्ग का ही इलाज होगा और परिवार के किसी अन्य शख्स का इस राशि से इलाज नहीं होगा। वहीं किसी अन्य सरकारी योजना, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए चलने वाली हेल्थ योजना का लाभ लेने वाले बुजुर्गों के पास ये विकल्प होगा कि वे आयुष्मान कार्ड लें या फिर पहले से चल रही स्कीम में ही शामिल रहे। यही नहीं, प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस योजना और ESI स्कीम का फायदा लेने वाले लोगों को भी इसके तहत कवर किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।